गाइस, रात को लास्ट में सो के सबसे पहले मैं उठ गई हूँ, लेकिन सोमिल अभी तक नहीं उठा। तब तक ये उठता तब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। भैया कर रहे हैं सूप पॉलिश और सामने है महादेव का मंदिर, जिसके बिल्कुल साइड में दो सुंदर सुंदर फूल के पेड़ लगे हैं। हिमाचल वालों के ज्यादातर पास में ही होता है सब कुछ, जैसे कि स्कूल है या मंदिर। तो वेजिटेबल हो या फ्रूट, जैसे आम लगे हुए हैं। जब तक ये कच्चे, इनकी चटनी और सब्जी बनेगी। जैसे ही पक जाएंगे खाने के काम आएंगे। जैसे भाग लेती हूँ रूम के अंदर, अगर सोमिल को पता लग गया उसकी नई वाली टी शर्ट मैंने पहन रखी है तो बहुत बोलेगा वो। यार ये बोलेगा कैसे, ये तो उठा ही नहीं है। चलो छोटा सा प्रैंक करते हैं। जस्ट 1 सेकंड में इसने मेरे पूरे प्रैंक सत्यानाश कर दिया। इसी वजह से मैं प्रैंक व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि वो कभी सक्सेस ही नहीं होता। ये रूम बहुत सुंदर लगा क्योंकि इसमें दो विंडो है और इसी अभी तक नहीं उठा। रूम में सबसे ज्यादा सामान मेरा फैला हुआ है, और जिसके अंदर से मुझे कोई भी ड्रेस पहनने के लिए नहीं मिली। लास्ट में रो पीट के मैंने एक ड्रेस सिलेक्ट की, और वो पहन के जैसे ही मैं मेकअप करने लगी फोन आ गया कि आ जाओ धाम रेडी। और धाम खाते खाते मेरे को याद आता है यार मुझे तो मेहंदी भी लगवानी थी। भाई जी ने बताया ताऊ जी की लड़की बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। फिर मैंने मेहंदी लगवाना स्टार्ट किया और मेहंदी लगाई है बहुत सुंदर, इसलिए मैंने उनको थैंक यू भी बोला।